भारत को मिला T20 में क्रिस गेल का बाप, दोहरा शतक ठोक रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइव के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स से भी खतरनाक खिलाड़ी मिल गया है, जो T20 में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचते हुए दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, जिसके बाद टीम इंडिया में उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 में दोहरा शतक किसी भी क्रिकेट फैंस को हैरान कर सकता है, लेकिन ऐसा कमाल किया है दिल्ली के क्रिकेटर सुबोध भाटी ने। सुबोध ने दिल्ली 11 के लिए खेलते हुए यह जबरदस्त पारी खेली। उन्होंने इस प्रदर्शन से जाहिर तौर पर कई क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है। सुबोध भाटी ने T20 क्रिकेट में इतिहास रचते हुए T20 में दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने 79 गेंदों का सामना करते हुए नबाद 205 रन बनाकर वापस आए। इस पारी के दौरान सुबोध ने 17 चौके और 17 छक्के उड़ाए। दोस्तों, सुबोध भाटी ने 170 रन को तो चौके छक्कों से 34 गेंदों में ही बना दिए थे। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 259 की रही। उन्होंने दिल्ली 11 टीम की ओर से खेलते हुए सिम्बा टीम के खिलाफ यह कारनामा किया। सुबोध भाटी के दोहरे शतक की मदद से उनकी टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 256 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें से 201 रन तो अकेले सुबोध भाटी ने बनाए। दोस्तों, दिल्ली 11 से मिले लक्ष्य के जवाब में सिम्बा टीम 18वें ओवर में 199 रन पर ही सिमट गई और 57 रन से मैच हार गई। दोस्तों, 30 साल के सुबोध भाटी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। वे ऑलराउंडर हैं और खतरनाक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब उनकी इस खतरनाक पारी को देखकर IPL टीमें उन्हें अपनी टीम में शामिल करने को बेताब होंगे। दोस्तों, बात करें T20 क्रिकेट के धुरंधरों की, तो IPL में क्रिस गेल, आंद्रे रसेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे कुछ नाम आते हैं, जो ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। T20 के दिग्गज क्रिस गेल के नाम IPL में 6 शतक हैं, जबकि विराट कोहली ने लीग में 5 शतक लगाए हैं, लेकिन दोहरा शतक किसी के नाम नहीं है। वैसे आप कमेंट करके बताएं, क्या सुबोध भाटी को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।